वो लड़का कितना हॉट है। ओके गाइज, तो आप भी ऐसी रील्स एडिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। और गाइज सबसे पहले तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो गाइज सबसे पहले तो आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर गाइज नीचे जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप सिलेक्ट करनी है जो कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर है। और गाइज उसके बाद एक अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद जो नीचे एरो का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर टैप कर देना, तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा तो आपको थोड़ा वेट करना है। और गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ है इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है जो कि टिकटॉक वाला रेशियो है। उसके बाद इसकी ऑडियो को म्यूट करनी है, इसके लिए इस आइकन के ऊपर टैप कर देना तो इसकी ऑडियो म्यूट हो जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में जो ब्लैक वाला पार्ट है इस पर चले जाना है एंड इस पर एक बार टैप करना और इसे ऐसे डिलीट कर देना। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके अंदर एक म्यूजिक ऐड करना होगा, तो इसके लिए पहले सबसे आगे आ जाना एंड जहाँ ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टैप टू ऐड म्यूजिक, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कर देना है। सो गाइज आपको यहाँ से एक म्यूजिक सिलेक्ट कर लेना है जो कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पर सिंपल तरीके से चूज कर लेना है एंड यहाँ पर आपको कोई सी भी बीट ऐड नहीं करनी है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। उसके बाद राइट के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद क्या करना गाइज, जहाँ आपका वीडियो क्लिप खत्म हो रही है और आपकी फोटो स्टार्ट हो रही है उसके बीच में जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हो यहाँ पर, आपको इस प्लस का आइकन ऊपर टैप कर देना है एंड गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जूम वाला सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे से थोड़ा इंक्रीज कर देना, तो इसको अपनी ऑडियो के अकॉर्डिंग थोड़ी इंक्रीज कर देना, तो यहाँ पर इतना इंक्रीज करने के बाद नीचे जो राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर टैप कर देना है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फोटो पे ही रहना है एंड नीचे जो एपेक्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको इस एपेक्स पे चले जाना है एंड यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रॉल करना, आपको राइट साइड स्क्रॉल करते जाना है आगे एंड गाइज आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा स्लाइड राइट का एपेक्स, तो आपको उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड अपनी फोटो पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सो गाइज देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्लाइड राइट लगा लिया है, तो आपको ये एपेक्स लगाना है, यहाँ पे देख लो आराम से इसको, उसके बाद राइट के ऊपर टैप कर देना है एंड गाइज आपको इसी फोटो पे रहना है एंड नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है एंड जो सेकंड लास्ट में जूम लिखा हुआ है इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको जूम आउट सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट के ऊपर टैप कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसको एक बार प्ले करके यहाँ से चेक कर लेना है गाइज, तो देख सकते हो मैं ऐसे प्ले कर रहा हूँ। और गाइज वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको ऐसे वीडियो पर मिलते रहते हैं। सो गाइज इसको चेक करने के बाद जो ऊपर एक्सपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी फुल कर देनी है, उसके बाद राइट के ऊपर टैप कर देना है और गाइज आपको फोन में एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो इसको आपको उसी ओटीपी जाकर अपलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर दे रखा है।